For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Kareena Kapoor Khan ko nahi pasand hai step mom ka tag. Yes, well hello guys, welcome to Movies Adda. Main hu Jyoti Naha. Kareena Kapoor hamesha se trend setter rahi hain. Bahut cheezon ka unhone trend set kiya hai apni life mein. Aise mein haal hi mein ek interview ke dauran jab unse pucha gaya ki Sara ko lekar kis tarah ki pratikriya hai, abhi bhi log kis tarike se dekhte hain is rishte ko, tab unhone is baat ko kaha ki log abhi bhi mujhe step mom kehte hain, which I hate. I literally hate it because I don't know लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मैं सैफ की वाइफ हूँ, सारा की दोस्त हूँ, लेकिन मैं सारा की स्टेप मॉम नहीं हूँ। और स्टेप मॉम वर्ड से, यानी कि सौतेली माँ इस वर्ड से, कहीं ना कहीं करीना को बहुत ज्यादा तकलीफ है, दिक्कत है इस वर्ड से, ऑब्जेक्शन है रादर इस वर्ड से, और होना भी चाहिए बिकॉज सारा अली खान ने भी काफी बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि करीना मेरी दोस्त जैसी है और वो मेरे फादर की वाइफ है, मेरी मॉम नहीं है। सो ये रिश्ता सिंपल है, इसे सिंपल ही रखा जाना चाहिए, लेकिन करीना ने फाइनली पहली बार अपना स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जिस तरीके से लोग डीवा बोलते हैं, मुझे वो भी नहीं पसंद। पहले मुझे डीवा टैग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अब मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। और जब शायद उन्होंने जब मैंने पू का कैरेक्टर किया था, तब से लोग मुझे एज अ डीवा बोलने लग गए हैं, एज अ डीवा देखने लग गए हैं। मैं चाहती हूँ उससे भी आगे चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ डीवा बनकर रहना मुझे नहीं पसंद। ये भी करीना कपूर खान ने कह दिया है, और अपने और सारा के रिश्ते पर भी कहा कि मैं सौतेली माँ नहीं हूँ और मुझे ये स्टेटमेंट भी नहीं पसंद। आई डोंट नो वाई पीपल थिंक लाइक दैट। मेरे ज़िंदगी का नज़रिया अलग है, मैं ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखती हूँ। सो ये सारी बातें क्लैरिफाई कर दी हैं करीना कपूर खान ने। अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, या आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में। This is Jyoti Naha, signing off.